हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। ठंडा ठंडा मैंगो शेक से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है, तो आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। साथियों, इस समय शाम के 6 बज रहे हैं और चाय पीने का समय है। चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। क्या हुआ कि कल शाम को मैंगो शेक बना था तो उसको फिर तो भी चाय नहीं पी पाई, फिर सुबह पी, उसके बाद शाम को दूध पूरा ख़त्म ही हो गया है। क्या होता है कि माधवी जो है गांव से ही दूध लेके आती हैं और आज हॉलीडे है, संडे है, तो वो दूध जो है कल वाला पूरा फिनिश हो गया। बच्चों ने पी लिया, मैंगो शेक वगैरह बन गया। तो फिर मैं और मेरी जो यूट्यूब की फैमिली की फ्रेंड है वो हेमलता जी, हम दोनों ही दूध लेने जा रहे हैं। माधवी का ऑर्डर है कि मैंने जो है तुम्हें जो है चाट बना के खिलाई है और हेमलता जी ने अच्छे मस्त चावल बना के खिलाए हैं। अब तुम्हारा नंबर है कि तुम खुद जाओ दूध लेके आओ और हमें चाय बना के पिलाओ। तो बस अब मरता क्या ना करता, अब उनके घर आए हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो फिर मैं जा रही हूँ, मैं और हेमलता जी जो है दूध लेने जा रहे हैं। वहाँ से कुछ बिस्किट और कुछ और रस्क टोस्ट वगैरह लेके आएंगे और फिर उसके बाद चाय बनेगी, चाय पी जाएगी, फिर आगे का काम देखेंगे। तो चलो ढूंढेंगे जहाँ कहीं भी शॉप होगी इधर उधर गली में ढूंढ लेंगे और फिर मिल्क खरीद के लेके आएंगे। चलिए मैडम, तैयार? हाँ चलो। साथियों, मैं दूध लेके आ चुकी हूँ और ये चाय बन चुकी है, चाय भी बना दी है। अब हम लोग ठंडी ठंडी हवा में ऊपर जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा वेदर है, बहुत अच्छी अच्छी हवा चल रही है। नीचे बहुत गर्मी है तो हमने कहा कि चलो पूरा घर तो तुम्हारा देख ही लिया है, तुम्हारी रूफ रह गई है तो वहाँ घूम के आते हैं। तो हम सब लोग बच्चों के साथ छत पे जाएंगे, वहाँ दो चार फोटो क्लिक करेंगे और वहाँ मस्ती करेंगे, थोड़ा बहुत मज़े करेंगे, डांस करेंगे और फिर उसके बाद फिर अपना आगे का देखेंगे। तो हम लोग छत पे आ चुके हैं। माधवी आज बहुत मूड में है, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरीके से जब हम कभी अकेले रहते हैं, कोई रहता नहीं है साथ में, हमारे मित्र अगर आ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, एक अलग ही मज़ा होता है उसमें। मैं माधवी को कुछ भी काम नहीं करने दे रही हूँ, जितना भी हो सकता है कि मैं और हेमलता जी कर ले रहे हैं। वो बोल रही है कि तुम तो कुछ भी करने ही नहीं दे रही हो, और ये हवा में चुनरी लहराते हुए गाना गाते हुए बहुत इंजॉय हो रहा है। जब हमारा मन प्रसन्न होता है तो वो खुशी हमारे चेहरे पे अलग ही दिखाई देती है, और मित्रों के साथ की बात तो दोस्तों कुछ अलग होती ही है। इसी के साथ मैं बता दूं आपको कि आज मेरा लास्ट डे है। मैं कल सुबह मुझे जाना है, मुझे अपना अपने घर भी जाना है, वहाँ का भी देखना है। वहाँ नेहा आ चुकी हैं तो वो भी वहाँ से फ़ोन कर करके बार बार बोल रही हैं कि दीदी आ जाओ, मैं यहाँ आ गई हूँ और मुझे नेहा के बेबी से भी मिलना है। गाइस, माधवी जो है सब जगह घुमाने लेके आई हैं, जो भी उनके रिलेटिव हैं और जो भी उनके जान पहचान के लोग हैं, जिनसे भी वो परिचित है, उन सबसे मिलवाने आई हैं। तो हम लोग जो हैं जिनके संकटा माता की सुहागले जीवने आए थे, अब वो आंटी ने हम लोग को दोबारा से बुलाया है और बोला कि हम तुम्हारे वीडियो सब देखते हैं तो आओ हमारे घर भी आओ, हमको भी ले लो। तो हमने कहा हाँ ठीक है, आपको भी वीडियो में ले लेते हैं। उसके बाद फिर माधवी जो है एक दो जगह और घुमाने ले के जाएंगी, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे फिर निकलना है। तो उनको ये लग रहा है कि क्या करें क्या ना करें, कि जो है ये सब जगह घूम लें, सब लोग इनसे मिल लें, हमारी दोस्त से सब लोग परिचित हो जाए, ऐसा उनका मानना है। तो बस सबसे पहले हम लोग एक आंटी के आए हैं जो कि रिटायर्ड प्राचार्या हैं और माधवी से बहुत ही अच्छी तरीके से परिचित हैं। और अब हम जब अकेले रहते हैं तो आसपास से व्यवहार भी बनाना पड़ता है, परिचय भी बनाना पड़ता है। तो आंटी जो है बहुत अच्छी हैं, बहुत ही अच्छे व्यवहार की हैं। और एक मान्यता प्राप्त विद्यालय में जब एक प्राचार्या का पद मिला था तो फिर स्वाभाविक है कि बहुत ही अच्छे एजुकेटेड हैं और बहुत ही अच्छे से बात करती हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, बार बार कुछ 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 खा लो, कुछ कुछ खा लो और मेरे घर भी आना और अब नेक्स्ट टाइम भी आना, इस तरीके से बातें करते हुए बहुत अच्छा भी लग रहा था दोस्तों। तो और मेरी दोस्त को भी ऐसा लग रहा था कि वो जितने ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग शूट कर सके, जितने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सके तो मेरी दोस्त का चैनल जो है ग्रो करे। तो उसको भी अच्छा लग रहा था कि वीडियो मैं इनको भी ले लो, उनको भी ले लो और अच्छे से वीडियो बनाओ। तो मुझे भी अच्छा लगता है इस तरीके से कोई जब अपने बारे में सोचता है। ये माधवी की रिलेटिव है, उनकी भाभी की मदर हैं, वो भी सामने ही रहती हैं।
गाइस इस समय रात के 10:30 बज रहे हैं और आज इनके घर में हमारी विदाई है, समझ लो अंतिम दिन है, अंतिम रात है। कहते हैं कि जो है अंतिम तो नहीं होता है, एक नई सुबह से हमारा दिन स्टार्ट हो जाता है। तो आज क्या है कि आज सब जगह माधवी ने घुमाया है, अपने अगल बगल में, पड़ोस में, आस पड़ोस में कि मेरी फ्रेंड आई है, मेरी फ्रेंड आई है। तो इसी कड़ी में मैं आई हूँ नीचे लैंडलॉर्ड के यहाँ। ये हमारी आंटी जी हैं जो कि माधवी इन्हीं के घर में रहती हैं, बहुत ही अच्छा प्यारा सा घर है। और लास्ट में क्या हुआ कि फिर इनके घर आना हुआ, तो बस आज जो है चाय नाश्ता करके जो है हम लोग बस ऊपर जा रहे हैं और चाय नाश्ता भी करा और मैनपुरी की प्रसिद्ध हम लोगों को सोन पापड़ी खिलाई गई है। गाइज अपनी ये लास्ट नाइट को बहुत ही ज़्यादा यादगार बनाने के लिए हम लोग आए हैं इटावा की सड़कों पर घूमने करने के लिए और आइसक्रीम खाने के लिए। हालांकि ज़्यादा लेट नाइट तो नहीं हुआ है, और शहरों में लेट नाइट चल जाता है पर छोटी जगह पे थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए हम लोग जो है ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 10:30 ही बजे हैं। तो हम लोग आइसक्रीम खाते हुए और मस्ती करते हुए अपने घर जाएंगे और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग मुझे निकलना है। तो साथियों जैसा कि मैंने बताया है कि मुझे निकलना है नेक्स्ट डे, तो इस समय सुबह के 5:30 बज रहे हैं और माधवी मुझे छोड़ने के लिए बस स्टॉप तक जा रही हैं। मैं मेरी व्यूवर्स और मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड बन चुकी है हिमलता जी से बाय करते हुए और आगे मिलने का वादा करते हुए हम लोग निकल रहे हैं। बहुत ही भरे मन से, बहुत ही भारी मन से जो है निकल रहे हैं। हालाँकि माधवी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं जाऊं और मुझे भी नहीं लग रहा है, लेकिन दोस्तों एक नियम होता है सभी चीज़ों का, एक सभी चीज़ों की एक एक समय सीमा भी होती है, तो बस वहीं हम लोग पालन कर रहे हैं। ये मैं बस पे चढ़ गई हूँ और डायरेक्ट वाली बस मुझे मिली है 6 बजे से 9 बजे तक, तो 9 बजे मैं मेरे घर पहुँच जाऊँगी। वहाँ पर मैं नेहा से मिलूँगी, वो भी बार बार फ़ोन कर रही है कैसा क्या है, कब आओगे, कैसा क्या रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ ही रही हूँ, चिंता मत करो। तो 3 घंटे के ट्रैवल के बाद हम लोग घर पहुँचने ही वाले हैं। इस तरीके से एक यादगार यात्रा का बहुत ही सुखद अंत हुआ दोस्तों। गाइस मैं माधवी के से आ गई हूँ। आज सुबह माधवी ने मुझे 6 बजे बिठा दिया था और मैं यहाँ 9 बजे आ गई थी। क्या किया कि आते ही से फिर वही नहाना धोना, चाय नाश्ता सब हुआ है। अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ, रोटियाँ सेक के रख देती हूँ। मम्मी ने दोनों सब्जियाँ बना दी हैं, आलू मटर टमाटर की और अरबी की, जिसे घुइयाँ भी बोलते हैं, तो सूखी अरबी की सब्जी और आलू मटर टमाटर की सब्जी। उसके बाद फिर मैंने कहा कि मम्मी आप आटा लगा के दे दो, मैं रोटियां सेक देती हूँ, बाकी अपना काम देख लो। नेहा भी आ गई है, तो नेहा का बच्चा भी है, तो उसका भी अपना काम रहता है, बच्चे के साथ तो बहुत सारा काम ही रहता है। चलो मैं आपको नेहा से मिलवाती हूँ, है ना दोस्तों। नेहा देखो नेहा आ गई, हेलो बोलो बाबू, हेलो बोलो, हेलो करो, हेलो हाय, बाय करो, अच्छा बाय करके देखो, बाय। सबको राधे राधे बोल दो, जय श्री कृष्णा बोल दो, जय श्री कृष्णा बोल। पीछे मम्मी खड़ी है, मम्मी देख रही है, ले हटा दे। तो नहीं मम्मी आ जाओ ना, मम्मी अभी आ जाओ, सब तुमको भी देखेंगे, तुम भी बोल दो सबको राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आप देख रहे होंगे दोस्तों कि नेहा आते से ही काम में लग गई हैं। अब मम्मी अकेले क्या क्या करेंगी, और हम दोनों मिलके ही, तीनों मिलके ही सारा कुछ कर रहे हैं। और ये एक छोटे से हमारे लड्डू राम हैं, ये बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही नटखट हैं। आई होप आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मैं आपके साथ और भी वीडियो शेयर करूँगी, ठीक है दोस्तों। तो आप प्लीज़ सपोर्ट करें, थैंक यू, बाय बाय।